हेलो फ्रेंड्स, ये है Xiaomi का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर 1S। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और ब्रांडिंग आप देख रहे हो Xiaomi की। क्लोजअप करके दिखाता हूँ आपको Xiaomi पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर 1S। ये काफ़ी पोर्टेबल डिवाइस है फॉर फिलिंग अप एयर इन योर कार और बाइक। ऐसे ये ओपन होता है और ये नोज़ल हम सिक्योर करते हैं टायर की नोज़ल पे, और ये स्क्रीन पे आप प्रेशर सेट कर सकते हैं। एक लाइट है इसमें जो आपको मैं जला के दिखा रहा हूँ, ये SOS मोड में भी चलती है और कंटिन्यूस लाइट भी ऑन रहती है। इसको वापस डालेंगे तो ये बंद हो जाएगी। ये राइट वाले स्विच से हम लोग मोड चेंज कर सकते हैं। ये स्कूटर, ये कार, ये बॉल, और इधर प्रेशर PSI में चाहिए। कंटिन्यू प्रेस करके चेंज करेंगे बार में आ जाएगा, और फिर कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो KPA में प्रेशर का यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको प्रेस किया, बॉल से हम वापस चले जाएंगे साइकिल में, स्कूटर और कार, अगेन बॉल में वापस डाल के इसको क्लोज करें। भरने के लिए सेंटर वाला बटन प्रेस करें और कंप्रेसर चल जाएगा। आप इसका ये सिलिकॉन कवर निकालेंगे तो नीचे से चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। ये चार्जिंग पोर्ट टाइप सी है। जब आप इसका होज निकालेंगे तो आपको इंडिकेटर दिखेगा जो कि है अभी फुल चार्ज है, तो ये वाइट कलर है। मैंने इस कंप्रेसर को टेस्ट किया हुआ है और इससे मैंने गाड़ी के 4 टायर, इन टोटल 2 गाड़ियों के 8 टायर, 2 स्कूटर टायर फ्रंट एंड रियर, 2 बाइक टायर फ्रंट एंड रियर एंड 2 साइकिल के टायर फ्रंट एंड रियर टॉप अप किए हैं, जो कि ऑलरेडी फिल्ड थे लेकिन हवा कम होने की वजह से मैंने उनको सिर्फ टॉप अप किया। तो वो सब टायर करने के बाद इनफ चार्ज था इसमें कंप्रेसर में, और इसे और भी यूज़ किया जा सकता था। अभी आगे मैं आपको दिखाऊँगा एक एक चीज़ का, जो फुली डिफ्लेटेड टायर है, फुली एम्प्टी टायर को कार, बाइक, स्कूटर और साइकिल में ये कितना टाइम लेता है। सबसे पहले मैं बाइक के फ्रंट टायर में एयर फिल करूँगा। ये टायर फुली डिफ्लेटेड है और टाइमर आप साथ में देख रहे हैं, 0 से स्टार्ट हुआ है। ये बाइक का जो कंपनी की तरफ से दिया गया प्रेशर फ्रंट टायर के लिए 25 PSI है, तो मैं 25 तक फिल करूँगा और आप टाइमर पे इसका टाइम देख सकते हैं। आफ्टर 25 PSI आप देख सकते हैं टाइम हुआ है 1:11:33 टू फिल अप एयर इन दिस टायर फ्रॉम 0 to 25 PSI। ये है स्कूटर का टायर, फुली डिफ्लेटेड है और अभी इसको कंपनी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग 24 PSI तक फिल किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं 24 PSI फिल हो गया है और इसमें लगे हैं 1:12:98। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाइसाइकिल का फुली डिफ्लेटेड टायर। बाइसाइकिल के टायर को मैं फिल करूँगा अप टू 40 PSI। बाइसाइकिल का टायर फुली फिल हो चुका है। टाइम टेकन इज 1:53:76। अभी हम करेंगे कार के फुली डिफ्लेटेड टायर में एयर फिल।
इस कार टायर को मैं 36 PSI तक फिल करूँगा, ऑल्दो कंपनी स्पेसिफाइड 32 PSI है, लेकिन मैं फिर भी 36 PSI तक इसको फिल कर रहा हूँ। तो गाड़ी का टायर फिल करने में 0 to 36 PSI टाइम लगा है 7 मिनट 57 सेकंड एंड 87 मिली सेकंड्स।